जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज के इस वीडियो में मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन पेपर को लेकर आए हैं, जो कि साथियों आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो साथियों, आप सभी आज के इस पेपर को सॉल्व कीजिए और इस पेपर में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं ये आप सभी को सेशन के लास्ट में कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए आप लोग आंसर कीजिए, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर एक के लिए आंसर क्या होगा, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर जरूर देना है। तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था एडवर्ड टेलर ने। यहाँ पर डी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है एडवर्ड टेलर ने। एक पूछा जाता है बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था, ध्यान रखिएगा बैरोमीटर। तो बैरोमीटर का आविष्कार किया था ई, यहाँ पर नाम लिख देते हैं ई टोरिसेली ने, ध्यान रखिएगा ई टोरिसेली ने किसका आविष्कार किया था, तो बैरोमीटर का आविष्कार किया था। आप लोग कमेंट करके बताइए डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर दो देखिए, उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन सा होता है? चलिए, बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है साथियों, आपको एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, पूरा क्लास को ध्यान से देखिए। तो उपास्थि एवं हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कैल्शियम होता है। तो यहाँ पर अगर आपने ऑप्शन बी को दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है कैल्शियम, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है। चलिए बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका फॉर्मूला होता है MgOH2, यानी इसका रासायनिक नाम पूछे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसे ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। तो साथियों, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर चार के लिए आंसर बताइए। और साथियों, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कीजिए, ये क्लास आपको दोपहर 3 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है और एक क्लास है रात 8 बजे, ये क्लास आपको लाइव में मिलेगा। तो देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और इसका रासायनिक सूत्र पूछे तो CaSO4, याद रखिएगा, ½H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। और एक जिप्सम का सूत्र होता है, तो जिप्सम का सूत्र पूछे तो CaSO4 इंटू, सिर्फ यहाँ पे हाफ की जगह पे क्या हो जाता है तो 2 हो जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है? चलिए पांच के लिए आंसर बताइए, स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है? तो यहां पर ध्यान दीजिए, स्टेनलेस स्टील की बात करें तो यह बना होता है फेरस यानी कि आयरन हो गया, कार्बन, क्रोमियम और निकेल के मिश्रण से बनता है। तो देखिए, ऑप्शन में लोहा, क्रोमियम और कार्बन दिया हुआ है, साथ में निकेल भी होगा। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका दोनों हो जाएगा सी और डी, क्योंकि देखिए लोहा, क्रोमियम, निकेल इसमें दिया है और इसमें लोहा, क्रोमियम और कार्बन दिया है। ऑप्शन को सही कर लीजिएगा, टाइपिंग एरर है, आंसर क्या होगा, फेरस, कार्बन, क्रोमियम और निकेल, और स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगता है। कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर बताइए, कांच को नीला रंग कौन प्रदान करता है? सही आंसर है कोबाल्ट ऑक्साइड, ध्यान रखिएगा कांच को नीला रंग कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? चलिए 7 के लिए आंसर बताइए, एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं है, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है?
तो देखिए रक्त स्कंदन में विटामिन के ये क्रियाशील होता है। ध्यान रखिएगा विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, फिलोक्विनोन। क्या है? फिलोक्विनोन। किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर बताइए, किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है? तो याद रखिएगा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। अच्छा दूध में पूछे कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल। ध्यान रखिएगा कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल। और दूध की शुद्धता को किस यंत्र से मापा जाता है, तो लैक्टोमीटर से मापा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। अच्छा देखिए बी ऑप्शन में है राइबोफ्लेविन, ये क्या है? तो याद रखिएगा विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। एंजाइम मूल रूप से क्या है? आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो साथियों एंजाइम मूल रूप से एक प्रकार का प्रोटीन है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, क्या हो जाएगा, प्रोटीन। ध्यान रखिएगा एंजाइम की बात करें तो हमारे शरीर के ग्रंथि रस स्रावित करते हैं जो कि एंजाइम कहलाते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। कान में कितनी हड्डियाँ होती है? चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, सही आंसर है कान में कुल 6 हड्डियाँ होती है दोनों कानों को मिलाकर। अब हड्डी का नाम भी याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछता है। तो पहला हड्डी है मैलियस, मैलियस ये 2 हड्डियाँ होती है, एक कान में एक, दूसरे कान में एक, तो टोटल 2 हड्डियाँ होती है मैलियस। दूसरा है इनकस, ये भी 2 है। और तीसरा है स्टेपीज जो कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, ये भी 2। तो टोटल 6 हड्डियां होती है जिसमें सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है, स्टेपीज। पौधे में जाइलम उत्तक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है? देखिए पौधे में एक होता है जाइलम उत्तक और एक होता है फ्लोएम उत्तक, ठीक है। तो जाइलम उत्तक क्या करता है, तो जाइलम उत्तक पानी एवं खनिज लवण का संवहन करता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, पानी और खनिज लवण का। आगे देखिए प्याज में निम्नलिखित में से किस में खाद्य जमा होता है? सही आंसर है शल्क पत्र में। साथियों प्याज में शल्क पत्र में खाद्य जमा होता है और प्याज में गुणसूत्र की संख्या पूछे तो टोटल 16 है। लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो देखिए साथियों RBC का जो उत्पादन होता है ये किसके द्वारा होता है, तो अस्थि मज्जा के द्वारा। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, अस्थि मज्जा। ध्यान रखिएगा लाल रुधिर कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक होता है, इसे ध्यान रखिएगा। और देखिए साथियों आप सभी से रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप लोग सेशन को साथ में लाइक करते हुए चलिए। आगे देखिए उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन और ध्यान रखना है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था, तो 1986 में। बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था, तो 1986 में लाया गया था, ध्यान रखिएगा। तो इसके प्रमुख कारण ये सभी है, सूचना का अभाव है, वस्तुओं की सीमित आपूर्ति, उपभोक्ताओं की अज्ञानता, ये सभी उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण है। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? चलिए इसका आंसर हो जाएगा स्वामी श्रद्धानंद। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है, स्वामी श्रद्धानंद। रॉलेट एक्ट की बात करें ये 1919 में पारित हुआ था। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? तो क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा महात्मा गांधी, सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। 14 जुलाई 1942 को
वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन का चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है अबुल कलाम आज़ाद। ध्यान रखिएगा बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और अबुल कलाम आज़ाद की बात करें, सबसे अधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे थे, स्वतंत्रता से पूर्व, ध्यान रखना है, तथा सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले नेता भी थे। कौन? अबुल कलाम आज़ाद। ध्यान रखिएगा अब्दुल कलाम नहीं है, अबुल कलाम आज़ाद है। निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था? चलिए बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, आंसर बताइए। तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य को शुरुआत किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। लेकिन कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का जो निर्माण करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। इसे ध्यान रखिएगा। कुतुब मीनार को पूरा करने में योगदान किसका आता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश को जाता है, लेकिन इसके 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा उस्मान हुर्रानी के शिष्य थे। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। बालकन प्लान किससे संबंधित है? तो प्यारे साथियों, बालकन प्लान की बात करें, ये भारत विभाजन योजना से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। आपका बैंक आपके द्वार किस बैंक की टैगलाइन है? चलिए आंसर बताइए। आपका बैंक आपके द्वार, ये किस बैंक की टैगलाइन है? तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, ठीक है। किस वर्ष बंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी? ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है 1854 में। चीन ने तिब्बत पर कब पूर्ण रूपेण कब्जा किया? सही आंसर है 1959 में, ए ऑप्शन यहाँ पर सही है 1959 में। राज्य के नीति निदेशक तत्व को आयरलैंड के संविधान ने किस देश से ग्रहण किया था? तो यहाँ पर 24 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, राज्य के नीति निदेशक तत्व को आयरलैंड के संविधान ने किस देश से ग्रहण किया था? तो याद रखिएगा स्पेन देश के संविधान से। और भारत ने किस देश से लिया है? तो भारत ने लिया है आयरलैंड से, और आयरलैंड ने लिया है स्पेन से। इसे ध्यान रखिएगा, स्पेन के संविधान से ग्रहण किया है आयरलैंड ने, और आयरलैंड के संविधान से भारत ने ग्रहण किया है। निम्न में किसने प्रधानमंत्री को राज्य की नौका का कप्तान कहा? तो साथियों इसका आंसर है मुनरो ने। किसने कहा? मुनरो। भारत माता किस कवि की रचना है? तो साथियों भारत माता की बात करें, सुमित्रानंदन पंत की रचना है, ध्यान रखिएगा। तल्लीन का संधि विच्छेद क्या है? तो साथियों तल्लीन का संधि विच्छेद होता है तत् प्लस लीन, जो कि ए ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, तत् में क्या है? हलंत है। किसी की हंसी उड़ाना वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? चलिए इसका आंसर है उपहास करना। आंसर देखिए बी हो जाएगा, उपहास। भारत में विश्व के कितने प्रतिशत आबादी निवास करती है? यानी कि भारत में बताना है विश्व में मान लीजिए टोटल 100% की आबादी है, तो 100% में से भारत में कितने प्रतिशत आबादी निवास करती है? तो याद रखिएगा 17.5%। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और विश्व में जो टोटल भूमि है, मान लीजिए 100% है, उसमें कितना प्रतिशत भूमि अकेले भारत में है? तो 2.42%। जनसंख्या पूछे तो 17.5 है। मेजनी का संबंध किस संगठन से था?
तो मेजनी का संबंध कार्बनरी संगठन से था। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, तो प्यारे साथियों गैरिबाल्डी की बात करें पेशे से कौन था, एक नाविक था। निम्न में से किसने गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया, तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा फटाफट से बताइए, डी ऑप्शन, श्रीमन नारायण अग्रवाल ने, इन्होंने गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया। समष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन नहीं किया जाता है, चलिए इसका आंसर है एक उपभोक्ता का। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत में हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है, तो इसका सही आंसर है ब्रेटन वुड्स समझौता, ठीक है, इसी के अंतर्गत IMF की स्थापना किया गया था, ठीक है। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था, सही आंसर है डॉक्टर B.R. अंबेडकर, डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, ध्यान रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब चलिए लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन है, नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कब किया गया, हमने इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस सेट में आपको बहुत बार बताया है, नरेगा को मनरेगा जो नाम दिया गया कब दिया गया। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।